क्लास 8 SST हिस्ट्री पार्ट चैप्टर नंबर 1 हाउ व्हेन एंड वेयर दिस इज पार्ट 2 फॉर पार्ट 1 यू कैन सी ऑल अराउंड हियर यू विल फाइंड इट सो वी हैव टू स्टार्ट चैप्टर रीडिंग ऑफ द रिमेनिंग पार्ट ऑफ दिस चैप्टर ब्रिटिश रूल मिल फेल्ट कुड सिविलाइज इंडिया टू डू दिस इट वॉज नेसेसरी टू इंट्रोड्यूस यूरोपियन मैनर्स आर्ट्स इंस्टीट्यूशंस एंड लॉज इन इंडिया मिल इन फैक्ट सजेस्टेड that the British should conquer all the territories in India to ensure the enlightenment and happiness to the Indian people. For India was not capable of progress without British help. Mill ki raay mein ब्रिटिश शासन भारत को सभ्यता की राह पर ले जा सकता था इस काम के लिए जरूरी था कि भारत में यूरोपीय शिष्टाचार कला संस्थानों और कानूनों को लागू किया जाए मिल ने तो यहाँ तक सुझाव दिया था कि अंग्रेजों को भारत के सारे भूभाग पर कब्जा कर लेना चाहिए ताकि भारतीय जनता को ज्ञान और सुखी जीवन प्रदान किया जा सके उनका मानना था कि अंग्रेजों की मदद के बिना हिंदुस्तान प्रगति ही नहीं कर सकता इन दिस आइडिया ऑफ हिस्ट्री ब्रिटिश रूल रिप्रेजेंटेड ऑल द forces of progress and civilization. The period before British rule was one of darkness. Can such a conception be accepted today? इतिहास की इस धारणा में अंग्रेजी शासन प्रगति और सभ्यता का प्रतीक था अंग्रेजी शासन से पहले सारा अंधकार का दौर था क्या इस तरह की धारणा को स्वीकार किया जा सकता है In any case, can we refer to any period of history as Hindu or Muslim? Did not a variety of faiths exist simultaneously in these periods? Why should we characterize an age only through the religion of the ruler of the time. To do so, is it suggests that the lives and practices of others do not really matter. We should also remember that even rulers in ancient India did not all share the same faith. क्या इतिहास के किसी दौर को हिंदू या मुसलमान का दौर कहा जा सकता है क्या इन सारे दौरों में किसी तरह के धर्म एक साथ नहीं चलते थे किसी युग को केवल उस समय के शासकों के धर्म के हिसाब से तय करने की जरूरत क्या है अगर हम ऐसा करते हैं तो इसका मतलब ये कहना चाहते हैं कि औरों के जीवन और तौर तरीकों का कोई महत्व ही नहीं होता हमें याद रखना चाहिए कि प्राचीन भारत में सारे शासकों का भी एक धर्म नहीं होता था Moving away from British classification, historians have usually divided Indian history into ancient, medieval, and modern. This division too has its problems. It is a periodization that is borrowed from the West, where the modern period was associated with the growth of all the forces of modernity, science, reason, democracy, liberty, and equality. And medieval was a term used to describe a society where these features of modern society did not exist. Can we uncritically accept this characterization of modern period to describe the period of our study? As you will see in this book, under British rule, people do not have equality, freedom or liberty, nor was the period one of economic growth and progress. Many historians therefore refer to this period as colonial. अंग्रेजों द्वारा सुझाए गए वर्गीकरण से हटकर इतिहासकार भारतीय इतिहास को आम तौर पर प्राचीन मध्यकालीन तथा आधुनिक काल में बांटकर देखते हैं। इस विभाजन की भी अपनी समस्याएं हैं। इतिहास को इस खंडों में बांटने की यह समझ भी पश्चिम से ही आई है पश्चिम में आधुनिक काल को विज्ञान तर्क लोकतंत्र मुक्ति और समानता जैसी आधुनिकता की ताकतों के विकास का युग माना जाता है उनके लिए मध्यकालीन समाज वे समाज थे जहां आधुनिक समाज की ये विशेषताएं नहीं थी क्या हम अपने अध्ययन के लिए आधुनिक काल की इस अवधारणा को बिना सोचे विचारे ऐसे ही अपना सकते हैं जैसा कि आप इस किताब में देखेंगे अंग्रेजों के शासन काल में लोगों के पास में समानता स्वतंत्रता या मुक्ति नहीं थी और न ही ये कोई आर्थिक विकास और प्रगति का दौर था बहुत सारे इतिहासकार इस युग को औपनिवेशिक युग कहते हैं नाउ द क्वेश्चन अकर व्हाट इज कॉलोनियल ये औपनिवेशिक होता क्या है इन दिस बुक वी विल read about the way the British came to conquer the country and establish their rule, subjugating local nawabs and rajas. You will see how they established control over the economy and society, collected revenue to meet all their expenses, bought the goods they wanted at low price, produced crops they needed for export, and you will understand the changes that came about as a consequence. You will also come to know about the changes British rule brought about in values and tastes, customs and practices. When the subjugation of a country by another leads to these kinds of political, economic, social and cultural changes, we refer to the process as colonization. इस किताब में हम पढ़ेंगे किस तरह से अंग्रेजों ने हमारे देश को जीता और स्थानीय नवाबों और राजाओं को दबाकर अपना शासन स्थापित किया आप देखेंगे कि किस तरह उन्होंने
उन्होंने अर्थव्यवस्था व समाज पर अपना नियंत्रण स्थापित किया। अपने सारे खर्चों को निपटाने के लिए टैक्स वगैरह वसूल किया, लगान वसूल किया, अपनी जरूरत की चीजों को सस्ती कीमत पर खरीदा, निर्यात के लिए महत्वपूर्ण फसलों की खेती कराई। और इन सारी कोशिशों के कारण क्या क्या बदलाव आए, आप ये भी जानेंगे कि ब्रिटिश शासन के कारण यहाँ की मूल्य मान्यताओं, पसंद नापसंद, रीति रिवाज और तौर तरीकों में क्या बदलाव आए। जब एक देश दूसरे देश के दबदबे से इस तरह के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव आते हैं तो इस प्रक्रिया को औपनिवेशीकरण कहा जाता है। You will, however, find that all classes and groups did not experience the changes in the same way. That is why the book is called Our Pasts in Plural. लेकिन जल्दी ही आप ये समझ जाएंगे कि सारे वर्ग और समूह इन बदलावों को एक ही ढंग से अनुभव नहीं कर रहे थे, इसलिए इस किताब को हमारे अतीत यानी कई अतीतों पर केंद्रित नाम दिया गया है। How do we know? हम किस तरह से जानते हैं? What sources do historian use in writing about last 250 years of Indian history? भारतीय इतिहास के पिछले 250 साल का इतिहास लिखने के लिए इतिहासकार कौन से स्रोतों का इस्तेमाल करते थे? Administration produces records. प्रशासन अभिलेख तैयार करता है। One important source is the official records of British administration. The British believed that the act of writing was important. Every instruction, plan, policy, decision, agreement, investigation had to be clearly written up. Once this was done, things could be properly studied and debated. This conviction produced an administrative culture of memos, notings and reports. अंग्रेजी शासन द्वारा तैयार किए गए सरकारी records इतिहासकारों का एक महत्वपूर्ण स्रोत होते थे, साधन होते थे। अंग्रेजों की मान्यता थी कि चीजों को लिखना बहुत महत्वपूर्ण होता है। उनके लिए हर निर्देश, हर योजना, नीतिगत फैसले, सहमति, जांच को साफ साफ लिखना जरूरी था, क्योंकि ऐसा करने के बाद में चीजों का अच्छी तरह से अध्ययन किया जा सकता है, उस पर वाद विवाद किया जा सकता है। इस समझदारी के चलते ज्ञापन, टिप्पणी और प्रतिवेदन पर आधारित शासन की संस्कृति पैदा हुई। द ब्रिटिश ऑल्सो फेल्ट दैट ऑल इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स एंड लेटर्स नीडेड टू बी केयरफुली प्रिजर्व्ड, सो दे सेट अप रिकॉर्ड रूम्स अटैच्ड टू ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशंस, द विलेज तहसीलदार्स ऑफिस, द कलेक्ट्रेट, द कमिश्नर्स ऑफिस, द प्रोविंशियल सेक्रेटरेट, द लो कोर्ट्स, ऑल हैड देयर रिकॉर्ड रूम्स। स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशंस लाइक आर्काइव्स एंड म्यूजियम्स वर ऑल्सो एस्टेब्लिश्ड टू प्रिजर्व इम्पोर्टेंट रिकॉर्ड्स। अंग्रेजों को यह भी लगता था कि तमाम अहम दस्तावेज और पत्रों को संभाल कर रखना जरूरी है, लिहाजा उन्होंने सभी शासकीय संस्थानों में अभिलेख कक्ष भी बनवा दिए। तहसील के दफ्तर, कलेक्ट्रेट, कमिश्नर का दफ्तर, प्रांतीय सचिवालय, कचहरी, सबके अपने रिकॉर्ड रूम होते थे। महत्वपूर्ण दस्तावेजों को बचाकर रखने के लिए अभिलेखागार, अकाई और संग्रहालय जैसे संस्थान भी बनाए गए। लेटर्स एंड मेमोज दैट मूव्ड फ्रॉम वन ब्रांच ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन टू अनादर इन द अर्ली इयर्स ऑफ द 19th सेंचुरी कैन स्टिल बी रीड इन द आर्काइव्स। यू कैन ऑल्सो स्टडी द नोट्स एंड रिपोर्ट्स दैट डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल प्रिपेयर्ड और द इंस्ट्रक्शंस एंड डायरेक्टिव्स दैट वर सेंट बाय ऑफिशियल्स एट द टॉप टू प्रोविजनल एडमिनिस्ट्रेटर्स। 19वीं शताब्दी की शुरुआत में प्रशासन की एक शाखा से दूसरी शाखा के पास भेजे गए पत्रों और ज्ञापनों को आज भी अभिलेखागारों में देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। वहाँ आप जिला अधिकारियों द्वारा तैयार किए गए नोट्स और रिपोर्ट्स पढ़ सकते हैं या ऊपर बैठे अफसरों द्वारा प्रांतीय अधिकारियों को भेजे गए निर्देश और सुझाव देख सकते हैं। 19वीं शताब्दी के शुरुआती सालों में इन दस्तावेजों की सावधानी पूर्वक नकलें बनाई जाती थी। इन द अर्ली इयर्स ऑफ 19th सेंचुरी दीज डॉक्यूमेंट्स वर केयरफुली कॉपीड आउट एंड ब्यूटिफुली रिटन बाय कैलिग्राफिस्ट्स, दैट इज बाय दोज हु स्पेशलाइज्ड इन द आर्ट ऑफ ब्यूटिफुल राइटिंग। बाय द मिडिल ऑफ 19th सेंचुरी विद द स्प्रेड ऑफ प्रिंटिंग मल्टीपल कॉपीज ऑफ दीज रिकॉर्ड्स वर प्रिंटेड एज प्रोसीडिंग्स ऑफ ईच गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। इन्हें खुशनवीसी के माहिर लिखते थे। कैलिग्राफी को खुशनवीसी भी कहा जाता है। खुशनवीसी या सुलेख नवीस ऐसे लोग होते थे जो बहुत सुंदर ढंग से चीजें लिखते थे। 19वीं शताब्दी के मध्य तक छपाई तकनीक भी फैलने लगी थी। इस तकनीक के सहारे अब प्रत्येक सरकारी विभाग के कार्यवाही के दस्तावेजों की कई कई प्रतियां बनाई जाने लगी। सर्वेस बिकम इम्पोर्टेंट, सर्वेक्षण का बढ़ता महत्व। द प्रैक्टिस ऑफ सर्वेइंग ऑल्सो बिकेम कॉमन अंडर द कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन। द ब्रिटिश बिलीव्ड दैट अ कंट्री हैड टू बी प्रॉपरली नोन बिफोर इट कुड बी इफेक्टिवली एडमिनिस्टर्ड। औपनिवेशिक शासन के दौरान सर्वेक्षण का चलन भी महत्वपूर्ण होता था। अंग्रेजों का विश्वास था कि किसी देश पर अच्छी तरह शासन करने के लिए उसको सही ढंग से जानना जरूरी होता है। बाय द अर्ली 19th सेंचुरी डिटेल्ड सर्वेस वर बीइंग कैरिड आउट टू मैप द एंटायर कंट्री। इन द विलेज रेवेन्यू सर्वेस वर कंडक्टेड। द एफर्ट्स वाज टू नो द टोपोग्राफी, द सॉइल क्वालिटी, द फ्लोरा, द फौना, द लोकल हिस्ट्रीज एंड द क्रॉपिंग पैटर्न। ऑल द फैक्ट्स
facts seen as necessary to know about to administer the reason. From the end of 19th century, census operations were held every 10 years. These prepared detailed records of number of peoples in all the provinces of India, noting information on castes, religion and occupations. There were many other surveys, botanical surveys, geological surveys, archaeological surveys, anthropological surveys and forest surveys. 19वीं शताब्दी के शुरुआत तक पूरे देश का नक्शा तैयार करने के लिए बड़े बड़े सर्वेक्षण कराए जाने लगे। गांवों में राजस्व सर्वेक्षण किए गए। इन सर्वेक्षणों में धरती की सतह, मिट्टी की गुणवत्ता, वहां मिलने वाले पेड़ पौधों, जीव जंतुओं तथा स्थानीय इतिहासों व फसलों का पता लगाया जाता था। अंग्रेजों की राय में किसी इलाके का शासन चलाने के लिए इन सब बातों को जानना जरूरी था। 19वीं शताब्दी के आखिर से हर 10 साल में जनगणना भी की जाने लगी। जनगणना के जरिए भारत के सभी प्रांतों में रहने वाले लोगों की संख्या, उनकी जाति, इलाके और व्यवसाय के बारे में भी जानकारियां इकट्ठा की जाती थी। इसके अलावा वनस्पति सर्वेक्षण, प्राणी वैज्ञानिक सर्वेक्षण, पुरातत्वीय सर्वेक्षण, मानव शास्त्रीय सर्वेक्षण, वन सर्वेक्षण आदि कई दूसरे सर्वेक्षण भी किए जाते थे। व्हाट ऑफिशियल रिकॉर्ड्स डू नॉट टेल, अधिकृत रिकॉर्ड से क्या पता नहीं चलता है। फ्रॉम दिस वास्ट कॉर्पस ऑफ रिकॉर्ड्स वी कैन गेट टू नो अ लॉट, बट वी मस्ट रिमेम्बर दैट दीज आर ऑफिशियल रिकॉर्ड्स। दे टेल अस व्हाट द ऑफिशियल थॉट, व्हाट दे वर इंटरेस्टेड इन एंड व्हाट दे विश्ड टू प्रिजर्व द पोस्टेरिटी। दीज रिकॉर्ड्स डिड नॉट ऑलवेज हेल्प अस अंडरस्टैंड व्हाट अदर पीपल इन द कंट्री फेल्ट एंड व्हाट ले बिहाइंड देयर एक्शंस। रिकॉर्ड्स के इस विशाल भंडार से हम बहुत कुछ पता लगा सकते हैं, फिर भी इस बात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि ये सारे अधिकृत रिकॉर्ड हैं। इनसे हमें यही पता लगता है कि सरकारी अफसर क्या सोचते थे, उनकी दिलचस्पी किन चीजों में थी और बाद के लिए वे किन चीजों को बचाए रखना चाहते थे। इन रिकॉर्ड्स से हमें ये समझने में हमेशा मदद नहीं मिलती कि देश के दूसरे लोग क्या महसूस करते थे और उनकी कार्यवाही की वजह क्या थी। फॉर दैट वी नीड टू लुक एल्सवेयर। व्हेन वी बिगिन टू सर्च फॉर अदर सोर्सेज वी फाइंड देम इन प्लेंटी। दो दे आर मोर डिफिकल्ट टू गेट देन ऑफिशियल रिकॉर्ड्स, वी हैव डायरीज ऑफ पीपल, अकाउंट ऑफ पिलग्रिम एंड ट्रेवलर्स, ऑटोबायोग्राफीज ऑफ इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटीज एंड पॉपुलर बुकलेट्स दैट वर सोल्ड इन द लोकल बाजार्स एज प्रिंटिंग स्प्रेड, न्यूज़पेपर वर पब्लिश्ड एंड इश्यूज वर डिबेटेड इन पब्लिक, लीडर्स एंड रिफॉर्मर्स रॉट टू स्प्रेड देयर आइडियाज, पोएट्स एंड नॉवेलिस्ट रॉट टू एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स। इन बातों को जानने के लिए हमें कहीं और देखना होगा। जब हम ऐसे स्रोतों की तलाश में निकलते हैं तो उनकी भी कोई कमी नहीं रहती है, लेकिन सरकारी रिकॉर्ड्स के मुकाबले उन्हें ढूंढना जरा मुश्किल साबित होता है। इस लिहाज से लोगों की डायरियां, तीर्थ यात्राओं और यात्रियों के संस्मरण, महत्वपूर्ण लोगों की आत्मकथाएं और स्थानीय बाजारों में बिकने वाली लोकप्रिय पुस्तक पुस्तिकाएं महत्वपूर्ण हो जाती हैं। जैसे जैसे छपाई की तकनीक फैली, अखबार छपने लगे और विभिन्न मुद्दों पर जनता में बहस भी होने लगी, नेताओं और सुधारकों ने अपने विचारों को फैलाने के लिए लिखा, कवियों और उपन्यासकारों ने अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए लिखा। ऑल दीज सोर्सेज हाउएवर वर प्रोड्यूस्ड बाय दोस हु वर लिटरेट। फ्रॉम दीज वी विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड हाउ हिस्ट्री वॉज एक्सपीरियंस्ड एंड लिव्ड बाय द ट्राइबल एंड द पीजेंट्स, द वर्कर्स इन द माइंस और द पुअर ऑन द स्ट्रीट्स। गेटिंग टू नो देयर लाइव्स इज अ मोर डिफिकल्ट टास्क। लेकिन ये सारे स्रोत तो उन लोगों ने रचे हैं जो लिखना पढ़ना जानते थे। इनसे हम ये तो पता नहीं लगा सकते ना कि आदिवासी और किसान, खदानों में काम करने वाले मजदूर या सड़क पर जिंदगी गुजारने वाले गरीब किस तरह के अनुभवों से गुजर रहे। येट दिस कैन बी डन इफ वी मेक अ लिटिल बिट ऑफ एफर्ट। व्हेन यू रीड दिस बुक यू विल सी हाउ दिस कैन बी डन। अगर हम थोड़ी और कोशिश करें तो हम इस बारे में भी जान सकते हैं। जैसे जैसे हम इस किताब को आगे पढ़ेंगे हमें ये बात भी समझ में आने लग जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस ऑडियो विजुअल प्रेजेंटेशन विच इज रिप्रेजेंटेड टू यू बाय इंद्रविजय सर। थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।